लास्ट टाइम जो है हमने 352 और 352J और 352K किलो ये देख रहे थे हम लोग। तो इसमें लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी है किसकी, ओनर्स की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 352 में तो ये लिखा हुआ है कि ओनर्स जो है ना शैल बी एंटाइटल्ड टू लिमिट हिज लायबिलिटी अंडर दिस पार्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन और द मोर इंसिडेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और उसके बाद ओनर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द लिमिटेशन ऑफ द लायबिलिटी इफ इट इज प्रूवन दैट द इंसिडेंट कॉजेस पोल्यूशन डैमेज अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द पर्सनल एक्ट। तो यहाँ पे ये पर्सनल एक्ट और द ओमिशन कमिटी और मेड विद द इंटेंशन टू कॉज डैमेज। ओके, तो 352 ये कहता है सबसे पहले तो हम इन लोगों को ओनर्स जो हैं उनको लिमिट कर दी गई, ओनर्स जो हैं उनको एंटाइटल कर दिया गया टू लिमिट द लायबिलिटी, मतलब उनकी लायबिलिटी लिमिट कर दी गई। मतलब जैसे कि कोई इंसिडेंट हो गया, लेट्स सपोज दैट कोई पोल्यूशन का इंसिडेंट हो गया, उसमें लिमिट ऑफ लायबिलिटी आ गई। तो लिमिट ऑफ लायबिलिटी में क्या हो गया कि ठीक है, अगर ओनर्स ने पूरा जो है प्रोटेक्शन मेजर्स ले करके सब कुछ किया, पोल्यूशन तो हुआ, बट दे हैव टेकन ऑल द मेजर्स टू कंट्रोल द पोल्यूशन ऑन बोर्ड ओनली, कि ऑन बोर्ड ही रिटेन या ओवर बोर्ड ना हो, बट इट हैज गॉन ओवर बोर्ड। तो उस केस में क्या होगा कि उनको लिमिट ऑफ लायबिलिटी जितना भी है, लेट अस सपोज कि 200 करोड़ का डैमेज था और सिर्फ इनको 100 करोड़ की लिमिट ऑफ लायबिलिटी थी, तो इसने तो सारे एक्शंस लिए ओनर्स ने, तो उसको 100 करोड़ ही देने पड़ेंगे, उसको 100 करोड़ के ऊपर नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि उसने सारे के सारे जो है अपने प्रोटेक्शन मेजर्स लिए थे। बट इन केस जो सेकेंड पॉइंट है, वो सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया, सेकेंड पॉइंट ये बोला गया है इन केस अगर ये प्रूव हो जाता है कि ओनर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था, ही हैज नॉट टेकन एनी थिंग, ही हैज नॉट डन एनी थिंग टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये हो जाएगा कि 200 करोड़ का जितना डैमेज हुआ है वो सारा का सारा 200 करोड़ ओनर्स को देना पड़ेगा। तो ये लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी 352J है। और 352K में क्या कहता है कि हाउ, जो ये लिमिट ऑफ लाइबिलिटी का जो फंड है वो किस तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया है कि एनी ओनर डिजायर टू अवेल द बेनिफिट जो है वो 352J, मतलब वो जे जो ऊपर अभी पढ़ा था, शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लिमिटेशन फंड, यहाँ पे उसे एक एप्लीकेशन, दैट इज हाई कोर्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लिमिटेशन फंड, यहाँ पे उसे एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। फिर क्या है, सच फंड कैन बी कंसीडर एंटायरली कंस्टिट्यूट ईदर बाई डिपॉजिटिंग द सम विद द हाई कोर्ट, मतलब या तो वो जो अमाउंट है उसको हाई कोर्ट में डिपॉजिट कर दो, या बाई फर्निशिंग बैंक गारंटी, या बैंक गारंटी दे दे, और सच अदर सिक्योरिटी, या कोई और ऐसा अदर सिक्योरिटी का मीन्स हो, एज इन द ऑप्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज सेटिस्फैक्ट्री। मतलब हाई कोर्ट ने पहले तो इसमें बोल दिया कि जो ऊपर वाले हैं उसकी जो लिमिट ऑफ लायबिलिटी है उसके लिए क्या, पहले एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, एप्लीकेशन डाल दी, उसके बाद पैसे जमा करने हैं, तो पैसे जमा करने में क्या है, उन्होंने बोला कि या तो बैंक गारंटी दे दो, या तो अगर तुम्हारे पास उतना कैश है तो कैश दे दो, जो कि आजकल नहीं हुआ, तो हमको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी, या कोई और मेजर्स जो कि हाई कोर्ट एक्सेप्ट करे वो हम कर सकते हैं। और इसके सिवा भी है, क्या है, इंश्योरेंस और एनी अदर पर्सनल प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द ओनर, कि या तो इंश्योरेंस के थ्रू हो या तो अदर पर्सनल, यहाँ पे जो फर्निशिंग बैंक गारंटी इट इज़ नॉट एन इंश्योरेंस, ये क्या है कि तुम्हारी FD हो उतने की या कुछ और चीज़ें हों, तुम्हारे पास उतने एसर्ट हों बैंक में, तो वो गारंटी है, यहाँ पे इंश्योरेंस है, ये दिस इज इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस हो या एनी अदर पर्सन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द ओनर, या कोई और बंदा जो है वो उसके तरफ से कि हाँ ठीक है मैं इसको जानता हूँ, अगर कुछ हुआ तो आई विल बी पेइंग अप, तो ये अगर बोल दे, मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फंड एंड दिस वन फंड टू, सो दिस वन, और क्या है कि सच फंड मे बी
constituted even in case of where the subsection 2 of 52J applies, but in any such event, constitution of the fund shall be not prejudice the right of the claimant against the owner for the full compensation exceeding the amount deposited or secured in the fund. Okay, तो यहाँ पे बी में लिख दिया कि जो फंड बना 352 जे के टू पार्ट में, तो जे के टू पार्ट में ये वाला कि द ओनर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द लिमिट ऑफ लायबिलिटी इफ प्रूवन इंसिडेंट वाला कि हो गया, तो अप्लाइज अप्लाई करता है, बट इन एनी सच इवेंट Constitution of the fund shall not prejudice the right of any claimation against the owner for full compensation exceeding the amount deposited. जो उसने जमा किया हुआ है उससे ज़्यादा नहीं, मतलब कि उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब अगर जैसे उसका था कि 100 करोड़ उसका था, तो उसने जो भी था वो 100 करोड़ तो दे दिया, ठीक है, but not prejudice the right of any claimation against the owner for the full compensation exceeding the amount deposited or secured in the fund. कि मतलब ये नहीं कि वो 200 करोड़ तुम फंड वालों से मांगोगे, नहीं तुम्हें ही देना पड़ेगा, नहीं नहीं तुम उससे जितना हुआ वो उतना दे दिया और बाकी जो 100 करोड़ बने वो ओनर से ही मांगो भाई. ओके, नाउ द अमाउंट, जो अमाउंट है इन अ स्पेशल ड्रॉइंग राइट टू बी डिपॉजिटेड और सिक्योर्ड इन द फंड अंडर द सबसेक्शन 1 शैल बी कन्वर्टेड इन टू रुपीज. तो मतलब ये रुपीज में कन्वर्ट करके फिर तुम्हें बैंक में देना है या तुम्हें कोर्ट में देना है, जैसे यहाँ पे कोर्ट में देना है तो वो रुपीज में कन्वर्ट कर, फर्निशिंग बैंक गारंटी वो भी, अदर सिक्योरिटी वो भी, सब रुपीज में ही देना है तुम्हें, कोई डॉलर्स या किसी और. एसटीआर में होता है असल में, तो एसटीआर इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, फुल फॉर्म है इसका एसटीआर का, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जो कि चार बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज यूएसए, देन यूरोप, देन यूके एंड जापान, तो इनकी करेंसी से मिलके बनता है. तो यूएसए का अपना डॉलर हो गया, फिर अपना पाउंड हो गया, और यूरोप का यूरो हो गया, और अपना जापान का येन हो गया. तो दीज फोर करेंसी कंस्टिट्यूट दिस वन एंड देन इट इज मेड. तो उसका एवरेज निकाल करके ये एसटीआर होता है, उसको रुपीज में कन्वर्ट करके तुम्हें डालना है. तो के का मैं ये 352 के एक बार और बता देता हूँ कि ओनर को जो है पहले तो एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, फिर जो अमाउंट है वो हाईकोर्ट में जमा करना है, ठीक है, अमाउंट के रूप में जमा कर सकता है, बैंक गारंटी, फर्निशिंग बैंक गारंटी के रूप में या अदर सिक्योरिटी जो कि हाई कोर्ट ने मान्य हो, हाई कोर्ट में मान्य हो या हाई कोर्ट जो है उसे एक्सेप्ट करे. उसके बाद या इंश्योरेंस या कोई और पंडा जो है वो उसे बोलता है कि हाँ ठीक है मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, तो दैट फॉर्म ऑल्सो, बट उस केस में भी पैसा वैसा दे विल सीक इट आउट. और सद क्या, फंड मे बी कॉन्स्टिट्यूटेड इवन इन द केस ऑफ सबसेक्शन 2, उसमें भी हो सकता है, मगर ठीक है वो फंड, ये दिस इज नॉट सो मच. उसका जो एसडीआर है, इन सब के बाद एसडीआर सीधा बता देंगे हम कि द ओनर जो है वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी, सम अमाउंट हाई कोर्ट में डाल दिया, और उसके बाद बैंक गारंटी दे दिया, अदर सिक्योरिटी, या कोई बंदा भी जो है वो कर सकता है ओनर की तरफ से, और इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, और जो अमाउंट डिपॉजिट करेंगे वो एसडीआर को कन्वर्ट करके रुपीज में हम डिपॉजिट कर देंगे, बस इतना बोलना है. फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएंगे, ये रहा 355, ऑब्लिगेशन टू रेंडर असिस्टेंट ऑन रिसीविंग अ डिस्ट्रेस सिग्नल. तो ये 16 चैप्टर 5 है, ये 16 चैप्टर 5 में अपना रेगुलेशन नंबर 33 भी है ये, तो वो उसमें भी दिया हुआ है कि इट इज ओनर्स मास्टर्स ऑब्लिगेशन टू असिस्ट द वेसल्स इन द डिस्ट्रेस.
और यहाँ पे भी दिया गया है 355 में एमएस एक्ट में। तो जैसे ये सब हम कंबाइन करके बोलें तो इट विल बी वेरी इफेक्टिव कि तुमको पता है। 16 चैप्टर 5 भी बोलो, रेगुलेशन 33, फिर यहाँ पे 355 जो है एमएस एक्ट 1958 के अकॉर्डिंगली, दिस विल बी मोर इफेक्टिव। उसको पता लगेगा कि हाँ ये तो रिसीविंग डिस्ट्रेस का है, देर आर सिक्योरिटी के रिलेटेड और है, फिर ISM से भी है। तो आई विल कवर अप व्हेन आई विल डू सोलास एंड ISMs आल्सो। पर्सन इन डेंजर 355 का ए ये रहा। थ्री फिफ्टी फाइव में ही ये देख रहे हैं पॉल्यूशन बाई सी 356 में आ जाएगा। दीज आर नॉट आस्क्ड फॉर एन इंफॉर्मेशन। बाकी तो शायद इसमें रिसीवर रैक एंड सैलवेज का यहाँ पे देगा। रिसीवर ऑफ रैक ड्यूटी ऑफ द रिसीवर वेयर द वेसल इज इन डिस्ट्रेस पावर ऑफ रिसीविंग द रैक, ये सब तो नहीं है। टेम्स ऑफ रैक्स फोर थर्टी सिक्स। इसमें ये सब भी नहीं है, ये सब नहीं है। 434 35 रूल्स ऑफ द सेलिंग वेसल 435 36 कुछ तो है। फोर थर्टी सिक्स एक बार देख लेते हैं क्या 436 में दफा चार फोर फोर फोर्टी सिक्स है। 436 446 है आई थिंक 446 41 42 43 45 46 notice to be given to the counselor representative to proceed proceedings taken in respect of foreign ships। नहीं ये नहीं है। 54 56
456 पे नहीं है, उसमें ये है ना कि कोई भी ऑफिशियल लॉग बुक का ही है कि अगर कोई भी कुछ करेगा तो 1 साल की सजा दे देते हैं वो। हाँ ये रहा पेनल्टीज वाले में, तो ये पेनल्टी 436, दिस वॉज। तो एनी पर्सन हु कॉन्ट्रवीन्स एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट और फेल्स टू कंप्लाई विद एनी प्रोविजन देयर ऑफ विच इट वॉज हिज ड्यूटी टू कंप्लाई विद सच अ गिल्ट ऑफ ऑफेंस एंड इफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एन ऑफेंस नो पेनल्टी इज स्पेशली प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन टू ही हैज द पनिशमेंट विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 200 रुपीज, 200 रुपये, ठीक है। और द ऑफेंस मैंशन इन कॉलम शेल बी पनिशेबल फोर कॉलम्स विथ रिस्पेक्ट, तो ये फोर यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसके केस में 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज, फिर 500 रुपीज, ये सब लिखे हुए हैं। इसके आगे सेक्शंस भी लिखे हुए हैं इनके आगे, ये कौन से सेक्शंस के हिसाब से क्या किया कैसे किया। तो अपना ये रहा ना, इफ द पर्सन विलफुली डिस्ट्रॉय और म्यूटिलेट्स और रेंडर इलिजिबल एन एंट्री इन द ऑफिशियल लॉग बुक और विलफुली मेक्स और प्रोक्योर्स टू मेक और असिस्ट इन मेकिंग अ फॉल्स फ्रॉडेंट एंट्री इन टू द ऑफिशियल लॉग बुक, तो उसमें क्या है जनरल में क्या है इम्प्रिजनमेंट विथ मे एक्सटेंड टू 1 ईयर। तो ये वाला मैं दिखाना चाहता था, तो दैट्स दिस इज ऑल अबाउट एमएस एक्ट। और जो अमेंडमेंट है इसकी वो मैंने ब्लॉग में डाल के रखी है, तो प्लीज़ वो ब्लॉग देख लेना क्योंकि मैंने अभी तक बनाया नहीं हुआ है। आई वॉज मेकिंग फर्स्ट दिस थिंग्स सो दैट पीपल विल गो थ्रू दिस फास्ट वन, और उसमें मैं ब्लॉग में अभी डाल दूंगा, सो प्लीज़ लुक एट द ब्लॉग ऑल्सो। दिस इज फिनिश विथ एमएस एक्ट, नथिंग इज रिमेनिंग, ऑल जितना बताया उतना ही है, दैट्स आई डोंट थिंक एनीथिंग मोर इज देयर। सो थैंक यू।